Hey guys, what's up? आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और जैसा मैंने वादा किया था कि हम लोग पाइथन विंडोज कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे और साथ ही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे और हम अपने कंप्यूटर विंडोज कंप्यूटर को बुलवाएंगे हेलो वर्ल्ड एज वेल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करनी होगी विंडोज कंप्यूटर में और उसके लिए आपको आप गूगल पे जाकर पाइथन सर्च कीजिए। वो आपको इस लिंक पे ले जाएगी जो है python.org का। जब आप इस पे जाते हैं तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए। ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगी कि आप विंडोज यूज कर रहे हैं और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सारे स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बने। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इसमें खुद इसको इंस्टॉल करें, थोड़ा सा रिसर्च खुद करें। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐड पाइथन टू पाथ टिक कर दीजिएगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना आप कमांड प्रॉम्प्ट से पाइथन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ उसको टिक कर दीजिएगा जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाती है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिस पर आप पाइथन के प्रोग्राम्स लिख सकें। अभी ये सॉफ्टवेयर मैं इसे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी यूज़ करते हैं, आप जिससे भी फैमिलियर हैं, आप उसी को यूज़ कीजिए। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, पाचाम हो गया, अगर आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं या HTML CSS में कोडिंग कर रखी है तो आपने कोई ना कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया ही होगा, जैसे सबलाइम टेक्स्ट हो गया या एटम हो गया। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप वही यूज़ कीजिए। मैं नॉर्मली विजुअल स्टूडियो कोड या पाचाम यूज़ करता हूँ तो मैं वही यूज़ करूँगा। हाँ, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें पाइथन की लाइब्रेरीज और पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वो आपका रिसर्च है और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कैसा रहा, आप सक्सेसफुली कर पाए कि नहीं और कोई प्रॉब्लम्स आए, क्या एरर्स आए। अगर आपको कोई एरर भी आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको गूगल करके देखिए। आपको पता लग जाएगा कि उस एरर का मतलब क्या है और इसी से दोस्तों आप सीखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ मैं और मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। मैं इस नई फाइल को सेव करूंगा टू 01.py के नाम से। आप कोई भी पाइथन की फाइल बना रहे हैं तो उसको एक्सटेंशन py देनी है। प्लीज मेक श्योर कि आप कोई भी पाइथन की फाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन .py है। दूसरी चीज आपको मेक श्योर करनी है कि जो नाम है ये किसी भी मॉड्यूल के साथ सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। सिमिलर हो सकता है पर सेम एग्जैक्टली सेम नहीं होना चाहिए जो भी आप पाइथन में मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे, और ना ही ये किसी और फाइल के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज आपकी वो पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी, वो ओवरराइड हो जाएगी। तो कुछ यूनिक नेम दीजिए। मैं यहाँ पे इसको यूनिक नेम देके शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना है तो आप क्या कोड लिखेंगे? पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे बिजनेस स्टूडियो कोड में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब आपके अगर आप बिजनेस स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं और आप पाइथन का इंटरप्रेटर आपके बिजनेस स्टूडियो कोड में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर आपको दिखेगा और तभी आप यहाँ से रन कर पाएंगे। दोस्तों ये मैंने जैसे आपको बोला कि आपका थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना है, थोड़ा सा गूगल करना है
और देखना है कि कैसे करना है, कैसे आपको इस पर्टिकुलर स्टेप तक पहुंचना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए। पर दोस्तों ये जरूरी है कि ये आपके लिए एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे ही आप प्रिंट सिंगल कोट्स में हेलो वर्ल्ड लिख के इसको रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड रन हो जाएगा और यहां आपको आउटपुट में दिख जाएगा। अगर आपको, आप इसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं अगर सिंगल कोट्स की बजाय डबल कोट्स कर देता हूँ, आपको दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा, तब भी आउटपुट हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब जैसे मैंने वादा किया था कि हम इसको एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे और कंप्यूटर को बुलवाएंगे, तो दोस्तों मैं आपको कोड यहाँ लिखूंगा। मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसकी उसका मतलब क्या है, पर आप देख सकेंगे कि कुछ ही लाइंस के कोड में हम कैसे कंप्यूटर को बुलवा सकते हैं जो भी हम लिख रहे हैं। तो देखिए, दोस्तों मैंने कोड लिख दिया है और सिर्फ इतना ही कोड है, जो भी आप इन डबल कोड्स के बीच में लिखेंगे वो हमारा कंप्यूटर बोलेगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, इसने बोला हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हेलो अंकल जी, तो ये हेलो अंकल जी बोलेगा। हेलो अंकल जी। वो अंकल जी ढंग से बोल नहीं पाया, पर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो कंप्यूटर बोलेगा। तो दोस्तों ये आपके लिए छोटी सी फन एक्टिविटी थी, और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि पाइथन की पावर कितनी ज़्यादा है, कि कुछ ही लाइन के कोड्स में हम कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि दोस्तों आप मुझे सपोर्ट दिखाइए, मैं पाइथन की पूरी सीरीज बनाऊंगा, मैं आगे यूनिटी के भी प्रोग्राम्स बनाऊंगा, इनफैक्ट गेम्स बनाएंगे हम साथ। और ये चैनल सिर्फ कोडिंग पे लिमिटेड नहीं है, तो इसमें बहुत सारा फन कंटेंट भी आएगा, मोटिवेशनल वीडियोस भी आएंगी, और साथ साथ हम काफ़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, तो प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी कुछ इंक्लूडेड होगा। पर दोस्तों आप प्लीज़ मुझे अपनी सपोर्ट दिखाइए, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकें और मुझे भी सपोर्ट दिखे। तो दोस्तों देखते रहिए, मिलते हैं आगे के वीडियोस में।